गाइज, मैं यूके आया था ऑन 12th of January 2023, एंड बाय द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो द डेट इज 4th of January 2024. सो इट हैज़ बीन अराउंड 1 ईयर मैं यूके में रह रहा हूँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. इस एक साल में गाइज मैं कहीं भी जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाता था, दोस्तों से मिल रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, एक बात हमेशा दिमाग में आती थी हर रोज कि यार अपने होम कंट्री कब वापस जाएंगे, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को कब मिलेंगे. यू नो, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके में रह रहा है, काफी ज्यादा सिचुएशन का सामना करना पड़ता है गाइज उसको. देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि होगी आपकी जॉब, आपकी यूनिवर्सिटी. बट स्टार्टिंग में क्या होता है, आप फ्री होते हो बट यू डोंट हैव द मनी. एक बार आपकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है, अब आपके पास पैसे आ गए, बट अब आप बिजी हो जाते हो, जॉब आप कैसे छोड़ोगे आफ्टर 1 ईयर ऑफ पेशेंस. ये तीनों चीजें स्ट्रेट लाइनअप की है. मेरी यूनिवर्सिटी का टर्म टाइम चल रहा है, मुझे मेरी जॉब से छुट्टी मिल गई है, एंड मेरे जो फाइनेंसिस हैं, आई मीन जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होने वाले हैं मेरे, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, विच इज अ वेरी बिग थिंग अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो. सो यस गाइज, इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अपने होम कंट्री जो कि इंडिया है, एंड आपको वहां पे दिखाऊंगा अपने पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं, एंड लाइक मैंने ऑब्वियसली उनको बता नहीं रखा है तो सरप्राइज देंगे. उससे पहले गाइज, जस्ट मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके, दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न. इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप यू नो प्राइवेट में पूछना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड वहां पे वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट. गाइज, लेट मी शो यू माई लगेज. ये है बैग नंबर 1, एंड दैट इज बैग नंबर 2, नंबर 3, एंड एक छोटा बैग है जो कि अभी पैक नहीं हुआ है. एंड इसके अलावा यार, मतलब रूम थोड़ा सा अभी मेस्ड अप लग रहा होगा आपको. एंड ये कहते हैं लोग कि अगर कहीं ट्रिप पे जाने से पहले आपका रूम मेस्ड अप ना हो, मतलब कि ट्रिप अच्छी नहीं होने वाली आपकी. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ, मूवीज, वेब सीरीज. दिस इज द शोल्डर बैग. इसका यूज आपको पता चल जाएगा एयरपोर्ट में आके, मैं दिखाऊंगा इसके अंदर सारा, मतलब पासपोर्ट वगैरह मैंने डाल रखा है. अगर आपको बाय करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी मैं आपको रेडी होकर मिलता हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है लंदन हीथ्रो टर्मिनल 3, एंड 9 बजे हमारी फ्लाइट कर जाएगी डिपार्चर. सो अभी रेडी होता हूँ, फाइनल चेक्स करता हूँ, एंड देन आई विल सी यू व्हेनेवर आई गेट टाइम टू रिकॉर्ड. सो द टाइम नाउ इज 5:30, एंड इस टाइम पे हमको एयरपोर्ट पहुंचना था, बट अभी हम घर से निकल रहे हैं, एंड एज यूजुअल बारिश हो रही है. सो गाइस, हम आ चुके हैं हंसलो वेस्ट. तो गाइज, हमने कर दिया है अपना चेक इन, एंड ये मेरा पासपोर्ट है, मुझे गेट नंबर बता दिया गया है, एंड हमारा बोर्डिंग टाइम इज अराउंड 8 o'clock. तो अभी टाइम इज 18:43, तो हमारे पास 1.25 घंटा एक्स्ट्रा है. सो अभी मैं चलता हूँ डिपार्चर में, आई डू द सिक्योरिटी चेक ऑफ दिस बैग जो आपको नीचे दिख रहा है. ओके गाइस, सो मैंने अभी सारी सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस कर लिया है. आप उस साइड देख सक रहे हो कि मेरे जो सारा बैग था, ये बैग हो गया, वो बैग हो गया, सब कुछ उन्होंने खुलवा के देखा, एंड एक लिक्विड की चीज़ थी, मतलब एक परफ्यूम थी, तो वो उन्होंने लाइक चेक किया, एंड उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. अभी यहाँ पे ड्यूटी फ्री है. सो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट ब्राउजिंग स्टोर में, बुक्स वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह देखता हूँ, एंड मैं आपको यहाँ पे ना कहानी बताता हूँ. जब मैं अपने होम कंट्री से यूके आ रहा था, मतलब तब भी मैं ड्यूटी फ्री में आया था, मुझे इतनी चीज़ें लेनी थी, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना टैक्स वगैरह मतलब कुछ बचता है, तो अभी पैसे नहीं थे तो उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार. बट अभी इट्स लाइक सच अ गुड फीलिंग कि एक साल बाद अपने दम पे टिकट्स करवा के, अपने दम पे यू गो, यू नो, मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ भी ली हैं, यू नो, विस्तारा की फ़्लाइट्स में वाईफाई बाय किया है, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने पैसों पर जब आप यूज़ करते हो ना, आई एम टेलिंग यू गाइज, जितने भी मतलब व्यूज आप देख रहे हो मुझे, आई एम टेलिंग यू, आप आओ एक साल बाद, इट्स गोइंग टू बी लाइक वर्थ इट. सो गाइज, वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट, एंड दिस इज माई सीट नंबर, एंड अराउंड 30-40 मिनट्स लेट हो गए क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, सो माइट बी टर्बुलेंस के डर से दे हैव यू नो डिलेड द फ्लाइट. सो एनीवेज, सो फार सो गुड.
So guys, welcome to India. Good morning, and now the time is 11:30 and बहुत बहुत comfortable and smooth flight थी. And right now, अभी अभी just मैं निकला हूँ बाहर and baggage area में जाना है. मुझसे एक गलती हो गई, मैंने roaming pack नहीं भरवाया था, so I don't have the access to data right now and I don't know कि मैं कैसे contact करूँगा मेरे friends को जो मुझे यहाँ पे लेने आ रहे हैं. But anyways guys, दिल्ली पहुँच चुके हैं, इसके बाद board करेंगे flight कोलकाता की. So guys, I'm going to go the last flight अभी. बहुत आवाज़ आ रही होगी बिकॉज दिस इज द थिंग. तो गाइस, दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी एक फ़्लाइट डिले हो जाती है, सो मुझे 6-7 घंटे वहां पे रुकना पड़ता है. सो जो एयरपोर्ट वाले, उन्होंने एक और फ्लाइट दी मुझे, उसके बाद हमने बोर्ड की एंड देन मैं आया हूँ अभी कोलकाता. एंड राइट नाउ मैं अराउंड 30-35 मिनट्स दूर हूँ अपने घर से एंड मैंने किसी को बता नहीं रखा, देखते हैं क्या सरप्राइज़ मिलता है. एंड थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, इन दोनों को ही पता था कि मतलब मैं आने वाला हूँ एंड किसी को नहीं पता. देखते हैं, रिएक्शन लेते हैं सबके. एंड यार, इंडिया की रोड्स आफ्टर सो मच टफ टाइम. एंड नीचे मैंने अपने फेवरेट मोमोज एयरपोर्ट उतरते साथ ही खा लिए. गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग. आई नो थोड़ा अब्रप्टली मैंने एंड कर दिया, बट यहाँ तक जो व्यूअर्स देख रहे हो, प्लीज़ एक मिनट और मेरी बात सुन लेना. अभी मैं इंडिया से वापस आ चुका हूँ, अभी मैं यूके में हूँ, जॉब्स वगैरह सब स्टार्ट कर दिया. एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे एंड काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि आ जाते हैं यूके एंड 4-4, 5-5 साल जाते नहीं अपने होम कंट्री में. सो ये जो मैंटेलिटी है ना गाइज, इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डिस्टेंस और टाइम, ये जो चीज़ है ना गाइज, ये बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप अपने होम कंट्री नहीं जाओगे, अपने पेरेंट्स जो कि यार सब कुछ होते हैं, मतलब उनको नहीं मिलोगे, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं. अपने फ्रेंड्स है, वहाँ के लिंक्स है आपके, अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, अगर आप वहाँ पे जाके ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे आए थे जब आपको एक कल्चर शॉक लगा होगा, मतलब पता चला होगा कि कैसी चीज़ें हैं. अब आप अगर अपने होम कंट्री जाओगे ही नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे, यू आर लूजिंग समथिंग. वी आर हेयर टू गेन समथिंग. टू गेन समथिंग, ऐसा ना हो जाए कि मतलब पीछे वाली चीज़ें हम लूज कर जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंक अबाउट इट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि हम अगर होम कंट्री जाएंगे तो सोसाइटी को क्या बोलेंगे, लोगों को क्या आंसर देंगे, सबको लगेगा यार ये तो एक साल बाद ही वापस आ गया, 2 साल बाद ही आ गया. जाओ, परवाह मत करो लोगों की, ऑब्वियसली आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा. एंड ऑब्वियसली मतलब ऐसी बात है, आई डोंट डू, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस. बाकी जो समझदार हैं वो समझेंगे. आप इस चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक. इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आई एम रेडी टू आंसर. मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.